जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। जनवरी 2024 में आपका राशि फल क्या होगा, आइए हम कैलेंडर के माध्यम से जानेंगे। यह कैलेंडर में साइड में राशि फल दिया गया रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। दूरस्थ यात्रा का योग है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, यानी कि आपको जनवरी में दूर की यात्रा हो सकती है। वृषभ राशि वालों की बात की जाए तो सुख तथा लाभ सामान्य रहेंगे, कुटुंबीय सहयोग मिलेगा, यानी कि घर में गेस्ट आने की संभावना है। वहीं मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए धार्मिक भावना बनी रहेगी, मांगलिक कार्य होंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी कि पूजा पाठ वगैरह मांगलिक कार्य होंगे। कर्क राशि वालों में शनि की ढैया का प्रभाव बताया जा रहा है, संघर्ष पश्चात कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं सिंह राशि वालों के लिए यह मास उन्नति का कारक है, व्यवसाय में लाभ होगा। वहीं कन्या राशि की बात की जाए तो जनवरी मास शुभदायक है, सफलता प्राप्त होगी, मानसिक उलझन बनी रहेगी, यानी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ी सी उलझने बनी हुई रहेगी। तुला राशि वालों की बात की जाए तो संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, निरर्थक दूर की यात्रा होगी, यानी कि बिना आवश्यक ही किसी यात्रा में आप फंसे रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मास प्रतिकूल बना रहेगा, शनि ढैया प्रारंभ होगी और गृह कलेश से चिंता बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए रोजगार क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, संतान सुख राज पक्ष से सहयोग मिलेगा। रोजगार क्षेत्र में परिवर्तन का अर्थ होता है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी चेंजेस हो सकते हैं उसमें। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि वालों की शनि की उतरती साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, विवाद में अनुकूल प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वालों को शनि साढ़े साती का पूर्ण प्रभाव रहेगा, उदर और हृदय रोग की संभावना है, यानी कि पेट दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। मीन राशि वालों के सिर पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव और संतान सहयोग रहेगा, साथ में यात्रा में व्यय यानी कि यात्रा करने का योग है, यात्रा में खर्च भी बढ़ेगा। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।